नमस्कार पार्वती धौल एक्सप्रेस को स्वागत कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। जुलाई 26 रु खोलिब दशम द्वादश श्रेणी। गणशिक्षा सचिव कहले अभिभावकों अनुमति नहीं आसी पारे पिला पाठपढ़ाई सब सरकारी घर स्कूल को अनुमति सका 10 रु साढ़े गोटाए जाए चलो क्लास। आलु खोलु खोलु महादेव अपहरण खोलीदेला ठकईर गुमर रेलवे रे चाकरी ना चून लगाउले 420 स्थलाभिनय ठकामी शिकार पांच युवक उभय को कटले किडनाप सात जन को गिरफ्त कला कमिशनरेट पुलिस। कमुनी मृत्यु कमुनी संक्रमण राज्य में पुणी 67 मुंड नेला कोरोना 24 घंटे 182 पॉजिटिव सेपटे स्वास्थ्य विशेषज्ञों मत द्वितीय थर संक्रमित अधिक गुरुतर होती रोगी तृतीय लहर पर दरकार स्वतंत्र आक्शन प्लां। परीक्षा पर यूजीसी गाइडलाइन अक्टोबर पहलू आरंभ हो नुआ शिक्षा वर्ष आडमिशन नकले फेरस्त पाइबे टंका सेप्टेम्बर 30 सुधा सर आडमिशन। गड़ुछी दिन सरुनी काम केउठी मुकुला खाल तो केउठी अलिया पहाड़ 9 वर्ष बीतीगला केबे संपूर्ण हेबो जायका काम हैरान कटकवासी। एवं सहायता अपेक्षार परिवार दुर्घटन चलीगला सान पु बड़ पु क्यासर छटपट चिकित्सार अर्थ साजिश बाधक कहीं ना सारा कांदुची मां साहय गुहारी। स्कूल खोलिबाकु राज्य सरकार निष्पत्ति दशम और द्वादश श्रेणी स्कूल खोलिबाकु निष्पत्ति होईछि। जुलाई 26 सोमवार ठारु दशम और द्वादश श्रेणी खोलिब एने सूचना देछन्ति गणशिक्षा सचिव सत्यव्रत साहू। समस्त सरकारी एवं बेसरकारी विद्यालय खोलिब बोली से कहिछन्ति। जेउ स्कूल मैट्रिक परीक्षा सेन्टर होउछि परीक्षा परे ताहा खोलिब। गणशिक्षा सचिव कहिछन्ति स्कूल को आसिबा पिलामानकर इच्छाधीन रहिब अभिभावक मानक सहित आलोचना करी स्कूल को आसी पारिबे पिला। दशम और द्वादश सहित अन्य श्रेणी अनलाइन शिक्षा चालू रहिब से आहुरी कहिछन्ति। स्कूल खोलिबा निष्पत्ति जिलापालंक उपरे नेस्त जदि केउठी केस बढ़िबो सेठी जिलापालंक अनुसारे स्कूल खोलिब। स्कूल सकाळ 10टारु दिन गोटाए 30 जाए खोलिब। स्कूल रे खेल छुट्टी हेबनी पिला घरे जे खाई पारिबे रविवार ओ समस्त सरकारी छुट्टी दिन रे स्कूल बंद रहिबो। सेपरी आउरी कहिछन्ति एणिकि सीबीएसई ढांचा रे नवम ओ दशम पिलांकर मूल्यायन हेबो। नवम ओ दशम रे वर्ष तमाम असेसमेंट परीक्षा चलिबो। वर्षकरे 4टी फॉर्मेटिव ओ 2टी सबमिटिव परीक्षा हेबो। सेप्टेम्बर द्वितीय सप्ताह नवेम्बर प्रथम सप्ताह रे परीक्षा हेबो। जनवरी द्वितीय सप्ताह मार्च द्वितीय सप्ताह हेबो परीक्षा। असेसमेंट परीक्षा सरिले हेबो फाइनल परीक्षा। जदि पुणी कोविड नै परीक्षा करि न हुए से ही अनुसार रिजल्ट प्रकाश पाइब। श्रेणी शिक्षकों द्वारा आसेसमेंट टेस्ट परिचालना हेबो। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पहुँचवा पाई असुविधा होथुवारु पर्टिकुलरली मोबाइल कनेक्टिविटी रो जो प्रॉब्लम रही शिक्षादान निमन्ते राज्य सरकार विद्यालय खोलिया पाई निम्नलिखित निष्पत्ति गुड़िक नेउछंती। ओडिसार दशम और द्वादश श्रेणी छात्र छात्री प्राय 10 लक्षर ऊर्ध वर्तमान पाठ्य विषय को बुझापाई पूर्व श्रेणी विषय गुड़िक सहित लिंक कनसेप्ट को बुझापाई एवं इतिमध्यरे बोर्ड जो सिलेबस ह्रास करिछि बोथ आमर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10th पई एवं काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th पई एही सब प्रस्तुति निमन्ते विद्यालय रे पाठपढ़ा चालू रखिबा अपरिहार्य हो पड़ी। यहाँ आखि आगर रखी सरकार दशम और द्वादश श्रेणी को आसंता जुलाई 26 मात्र आउ 9 दिन परे आज हूँ 17 तारीख तेणु जुलाई 26 सोमवार ठारु खोलिया पई निष्पत्ति नहीं समस्त सरकारी और बेसरकारी विद्यालय मानक प्रजोज्य हबो। एही दिगरे एक विस्तृत एसओपी बा मार्गदर्शिका कोविड नियम अनुजाई किपरि विद्यालय माने पालन करिवे ताकु विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तरफ जारी करा जाउ अछि। इस संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय। सतरूपा बहु आलोचना पर्यालोचना पर जदि आम देखा कि स्कूल खोल 10th और 12th पिला जहाँ घोषणा करा कर सब बड़ कथ हो 9th पिला
चली विचार विमर्श अगस्ट 16 और एकादश पिला सेप्टेम्बर 25 योजना कराई एपर्त विधिवत निष्पत्ति निया जाए कि सब बड़ कथा आउ कौन प्रमोशन नुहे एथर पिलांकर असेसमेंट टेस्ट हेब ए सबमिटिव स्कूल द्वारा भी परिचालना अर्थात जो गोटे नॉर्मल आवरेज मार्किंग होता से भाई हेबन कारण जो कम्प्लेन आसी चलित बर्ष जदि देखा पिला जो असंतोष ताक आखि रखी ये निष्पत्ति तेनालीराम कौन कहीपर कि स्कूल तो खोल निहती भाव में स्वागतोग्य पदक्षेप कि सहित पिला प्रेशर रही कि देखो आज गणशिक्षा विभाग जहाँ निष्पत्ति नहीं आगामी 26 तारीख दिन दशम एवं द्वादश श्रेणी जो रही स्कूल खोलिया को जाऊँ 26 तारीख जितेबाला स्कूल खोल 30 जुलाई 30 रु अगस्ट 5 भितर परीक्षा हम दशम श्रेणी जो जो छात्र छात्री मैंने परीक्षापी जो मैंने ऑफलाइन रे आवेदन करते पाखापाखि 22,000 रु ऊर्ध छात्र छात्री रही सर्वाधिक रही गंजाम जिलूर ऑफलाइन रे छात्र छात्री मैंने अप्लाय कर परीक्षा देवाई और सर्वनिम्न होती देवगढ़ जिलूर तो यू भितर एसओपी जारी करी भाव में जो रही महामारी को चेक क्लास भितर संक्रमण हम ना ताकु नहीं मध्य व्यवस्थित व्यवस्था करा जाय थिबार आज सूचना देखते गणशिक्षा विभाग तरफ आज सूचना दि जाइए गणशिक्षा विभाग मुख्य शासन सचिव एने प्रेस बृत्ति रखी किसी समय पूर्व जो भी छात्र छात्री मैंने स्कूल जिबे ना नहीं ता अभिभावक मैंने चाहिला पर ही से स्कूल को जिबे नवम श्रेणी क्लास खोल ना ना ताकु नहीं वर्तमान विचार विमर्श चली अगस्ट 15 तारीख सुधा यार जना पड़ स्कूल खोलुची कि नहीं कि सब बड़ कथा एबे स्कूल खोल छात्र छात्री माने स्कूल जिबे जहाँ तो संक्रमण को किभली भाव में चेक दिजिव ताकु नहीं एक बड़ चैलेंज सरकार सृष्टि कारण देखो तो जो जो छात्र छात्री मैंने पूर्व जो स्कूल खोली संक्रमण रेट बढ़ी था सांगे सांग स्कूल गुड़ी बंद कर दी था बर्तमान जो कि ऑफलाइन रे छात्र छात्री मैंने परीक्षा देते एथर ऑनलाइन रे मार्किंग कराता जो ऑनलाइन रे जो मार्क दि जाता बिना परीक्षा में चलित बर्ष मैट्रिक रिजल्ट बाहर अनेक छात्र छात्री असंतोष थे पाखापाखि 22,000 ऊर्ध छात्र छात्री असंतोष अच्छा से जो मैंने कि आवेदन करते ऑफलाइन परीक्षा पाई से माने वर्तमान परीक्षा देबे तो से माने किभली भाव में परीक्षा देबे कौन ताकू नहीं एक स्वतंत्र गाइडलाइन जारी कराई रूम गुड़ी सानिटाइज मास्क बाध्यतामूलक कौन से भी जिला गुड़िक स्कूल खोल ना ना ता संपूर्ण भाव में जिलापा यार दायित्व दि जाइए यार निष्पत्ति दि जाइए कारण स्कूल गुड़िक खोल ना ना जो स्कूल खोल किंतु या जिलापा निष्पत्ति ने जदि कौन स्कूल रे स्कूल खोल जो जिला रे स्कूल खोला परे संक्रमण देखा जाए तो ताकू जिलापा निष्पत्ति ने स्कूल बड़ प्रश्न कारण देखो स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते कि द्वितीय लहर भितर तृतीय लहर मे भी दस्तक दे पारे मैंने कह भय रही द्वितीय लहर भितर कंटिन्यू हो पारे हुए तो कारण अगस्ट लास्ट मानने कहा कि तृतीय लहर आसवर संभावना रही तेणु देखो तारी भितर स्कूल खोलुची और खास कर 9th, 10th, 11th एंड 12th कथ कह कारण 1 to 8 पर्यटन एपर्त चिंता भी कराए केवल ये 4 क्लास कथा कह वर्षक 4 फॉर्मेटिव 2 सबमिटिव एग्जाम देते सो मैंने कह गले बहुत विपद अच्छी विपद सहित चैलेंज भी अच्छी कारण शिक्षा वर्ष अक्टोबर आरंभ हो आज गणशिक्षा सचिव सूचना देते तो कमी चलो व्यवस्थित ढंग से स्कूल खोल पाठ पढ़ा हे पाने एग्जाम देते कमी हम के दुस्संभव देखो तो चैलेंज वर्तमान रही कारण स्कूल खोल आउ स्कूल एवं तृतीय लहर आशंका देखा जाए स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने तृतीय लहर आसूची किंतु या भितर स्कूल खोल जाए तो सरकार एक बड़ चैलेंज कारण छात्र छात्री जदि छात्र छात्री कौन सी भी अंचल संक्रमित होती किभली भाव में चेक देवे सब बड़ विषय है परीक्षा जो रही परीक्षा सांगे सांगे तुम जो क्लास टाइमिंग जोटा रही है जदि आम देखा साधारण दिन में सकाल 10 to 4 पर्यंत क्लास रही है ताकू बर्तमान बंद कर दि जाइए सकाल 10 to 5:30 छात्र छात्री छात्र छात्री पाठ पढ़े जो गोटे रु 5:30 पढ़े एथर एसेमेंट जो जो एनालीसीस छात्र छात्री बर्तमान एक बड़ चैलेंज कारण जो परीक्षा हम आगामी दिन में जो परीक्षा हम क्लास कि भाव में छात्र छात्री कम सिलेबस कम सिलेबस को किभली भाव में ग्रैब करेंगे किभली भाव में मेंटेन करेंगे कम सिलेबस को किभली भाव में भल भाव में पढ़ी पारे बर्तमान एक बड़ प्रश्नवाची देखा जाए कारण गोटाए कारण स्कूल तो खोली बाकी तो एबे भी अनेक कन्फ्यूजन रही कारण अल्प सिलेबस पछे
लिमिटेड समय भितर कोर्स सर डेडलाइन भितर पे पाठ पढ़ा एग्जाम देवा वर्षक चारिटी फर्मेटिव दुईट सबमेटिव तेनालीराम भितर कोरोनार भय तृतीय लहर केमी चलती स्कूल पे के दूर पाठ पढ़ी पार्टी अफलाइन में कारण जेहतु यहाँ इच्छाधीन व्यापार अभिभावक और छात्र छात्री तेणु अनलाइन व्यवस्था के कार्य कर समस्त नजर धन्यवाद सतरूपा रतलाम प्रतिनिधि सतरूपा सामंतराय परीक्षा पाई गाइडलाइन जारी कला यूजीसी अति शीघ्र प्रकाश पाइब विभिन्न परीक्षा फल एंट्रान्स रिजल्ट विलंब हेले भी अक्टोबर एक रु आरंभ हो नुआ शिक्षा वर्ष कोरोना कारण एडमिशन न कले फेरस्त हो सब टंका सेप्टेम्बर तीस सुधा सरब एडमिशन प्रक्रिया अक्टोबर एक सुधा पीजी और यूजी पाठपढ़ा आरंभ हो उच्चशिक्षा विभाग अधीन विश्वविद्यालय स्वयंशासित महाविद्यालय और डिग्री महाविद्यालय यूजी और पिजि फाइनाल वर्ष परीक्षा नहीं चिंतार थे छात्र छात्री तेज शेष वर्ष परीक्षा जुलाई अगस्ट मस मधे ऑनलाइन माध्यम रे करबाकु निष्पत्ति निया जायतला 31 जुलाई 2022 सुधा सरीब प्रथम वर्ष पिलांक सेमिस्टर 1 अगस्त 2022 रु नुवा शिक्षा वर्ष आरंभ हेबो। खबर जार रहइबो समचेक ब्रेक रो स्वागत। अपहरण खोलीदेला ठकई राकेटर गुमर बंधाले 420 सला भिणई रेलवे रे चाकरी देवा ना रे युवकों चून लगाउथिले चाकरी पई टंका देथिबा युवक उभयंको कटले किडनाप अपहरणकारी को धरिबा को जई महा ठकईर पर्दाफाश करछि कमिश्नर पुलिस आळु खोळु खोळु महादेव। अपहरण खोलीदेला ठकईर गुमर 420 सला भिणई चाकरी ना रे युवक को लगाउथिले चून अपहरण मामलार तदंत करने को जाइथिला पुलिस हेले खोलिला ठकेईर गुमर आई ठकेईर मास्टर माइंड थिले किडनाप होइथिबा सला भिणई दुई सला भिणई हेले समरजित राउत सौम्यरंजन राउत आपण देखुवा यह दुईज हेले 420 ठक उभय निजक रेलवे अधिकारी कही युवक ठकुले पांच जन ठकी 21 लाख टंका हेले टंका कि चाकरी न मिलबारु परे टंका देथिबा युवकों द्वारा अपहरण होइथिले सला भिणई तमांडो थाना रे समरजित भौणी अपहरण अभियोग करबा परे पूरा राकेटर पर्दाफाश करिछि कमिश्नरेट पुलिस अपहरण करथिबा अभियोग रे पांच जन गिरफ होइथिबा बेले दुई सला भिणई को ठकई अभियोग रे गिरफ करछि पुलिस दीटा केस रो इन्वेस्टिगेशन जा जाना पडुछि जे समरजित राउत गोटे लोक जे कितटा ओए होटल करिछि से पिला मान को रेलवे डिपार्टमेंट रे चाकरी करबा दबा को कहि किना विभिन्न समय रे लोकन को ठकी बहुत लोकन रे बेले पैसा नैछि तो बर्तमान इन्वेस्टिगेशन जहाँ इनिशियल स्टेज रे पांच जन को पाइछि जो पांच जन ताकु उठि के आनिथिले से पांच जन गोटे भी नैछि ता सहित अलगा पिला गोटे भी नैछि ताको विभिन्न समय अपॉइंटमेंट लेटर फेक सब आई कार्ड भी रेलवे देछि फेक अपॉइंटमेंट लेटर देछि तनोटा इन्वेस्टिगेशन ऑन अछि दिटा जा केस रे घटना थिला एमिति समरजित और सौम्यरंजन लोकों को जाल कागज पत्र दे रेलवे रे चाकरी देउथिले टंका देले राज्य बाहर रा विभिन्न स्टेशन रे टीसी चाकरी मिलुथिला एथिपई नेउथिले मोटा अंकर टंका चाकरी लागि राजधानी रा विभिन्न होटल रे नेउथिले इंटरव्यू रेलवे मेडिकल रे हेउथिला स्वास्थ्य परीक्षा नकली आईडी कार्ड सह अपॉइंटमेंट लेटर भी देउथिले सला भिणई तेबे दुई वर्ष बीतीगला चाकरी ना रे ए पांच युवक कोठारु टंका ने लुचकाळी खेळुथिले सला भिणई जहाँ कुने उभं को अपहरण करथिबा कहिसंती ठकई रो शिकार होइथिबा युवक रेलवे रे टीसी पोस्टर करै दो बोली डाकी के नैथिला पैसा नैथिला पैसा फेरैला नि डेढ़ वर्ष लानी पैसा दबो आज दबो काली दबो हे दउची आस होटल को नै जिबो एमती करके पैसा नहीं था आज देलानी बोले हम धरिक आनी चंद्रशेखरपुर थाना पुरे नहीं मुझे पिला से डायरेक्टली मैं किसी कहीं अच्छा जो अच्छा से मैंने जो मैंने ब्रोकर से मैंने आने के मतलब मीडिया वो ब्रोकर ये ब्रोकर जो अच्छा पाँच जन अच्छे से मीडिएटर से मैं अफिस अच्छे से पिला गैदर करती मझे मोर फाइनेंशियल कंसर्न प्रॉब्लम होता है मुझे पैसा नहीं दुई 420 सला भिणय गिरफ्तार यह पचरें बड़ राकेट काम करुवा सन्देह कर पुलिस भुवनेश्वर वीडियो जर्नालीस्ट संजीव को सह संतोष जेना को रिपोर्ट अर्गस न्यूज आशा परती खबर को तृतीय लहर पाई राज्य सरकार
ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଥରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି। ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଓଡ଼ିଶା ବି ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅନେକ ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଗଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବା ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହର ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟିକା ନେବା ପରେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କଟକଣା ମାନନ୍ତୁ। ଡବଲ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ 95% ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା କମିଯିବ, ମାତ୍ର 5% ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇରସ୍ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିପାରେ, ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ବହୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଏହି ଭାଇରସ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରଖିଦେବା ଯେ ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ନ ମାନିବା ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ପୁରା ରିଅଲ୍, କାରଣ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଇଭେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍ପେନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଫେର୍ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି କେୟାରଫୁଲ୍ ନ ରହିବା, ଯାହା ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ତ ଆସିଯିବ ଯଦି ଆମେ କେୟାରଫୁଲ୍ ନ ରହିବା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି 67 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ୍। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 25 ଜଣ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି, ସେପରି ଗଞ୍ଜାମରୁ 8, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 7, ପୁରୀ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,992 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି 2,000 ତଳକୁ ଖସୁନି ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,182 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 510, କଟକରୁ 308, ଯାଜପୁରରୁ 175 ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 161 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ଜାଣିବା ସମୟ ଅଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 8 ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପାଳତି। ଥାଙ୍କ ୟୁ।
ମିଳୁଛି। ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।